नमस्कार साथियों, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी की तैयारी आपको जम के आपको करनी है। ये है दोस्तों, कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर जो वैकेंसी निकली है, IAR टेक्निकल परीक्षा 2021 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम रोजाना वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कुल 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आप हमें जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है शक सम। क्या है? शक समत के आधार पर है। भारत की संसद में कौन सम्मिलित है? दोस्तों, जो भारत की संसद होती है जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पर कौन सी नदी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर? रोम। दोस्तों, रोम किस नदी के किनारे है? रोम है किस नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना। बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियतना, ये सभी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन रोम है वो किस नदी के किनारे है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विदेश विनिमय समय में प्रतिरक्षक कौन थे? यानी भारत में विदेशी विनिमय समय, तो दोस्तों भारत के अंदर करेंगे तो RBI होगा। क्या होगा दोस्तों? RBI आपका राइट आंसर है। देखिए, अहमदाबाद स्थित अबे घाट किस समाधि स्थल को कहते हैं? अबे घाट का संबंध किससे है? वह है मोरारजी देसाई से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेंगे, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। और दोस्तों, लखनऊ है ना किस नदी के किनारे है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी चुंबक या चुंबकत्व किसमें दूर की जाती है? तो दोस्तों, हथौड़े के पिटने के कारण, अगर आपके पास चुंबक है, चुंबक में हथौड़ा, हथौड़े के पिटने के कारण आपको ध्यान रखना, पिटाई करना। कलिंग, दोस्तों कलिंग युद्ध नाम सुना होगा, कलिंग युद्ध। निम्न में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? यस दोस्तों, इसका राइट आंसर है मौर्य सेना में कटौती कर दी गई थी, ये सही नहीं है। बाकी सैनिकों एवं नागरिक लोगों को हताहत संख्या लगभग 4 लाख थी। युद्ध में परिणाम दोस्तों भयंकर थे, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, सार्वजनिक नीतियों क्रांतियों में क्या हो गई, परिवर्तन कर दिया गया। कलिंग युद्ध के बारे में किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये सम्राट अशोक ने कहा था, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष आपका राइट आंसर है। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक के क्रियान्वयन के द्वारा होता है? तो विदेशी मुद्रा होती है, वो होती है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। देखिए, पौधों का जनन अवयव कौन सा है? वो होता पुष्प। क्या होता है? पुष्प आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? यस राइट आंसर 1965। और ये आपको ध्यान रखना, कृषि आधारित हम पढ़ रहे हैं, तो कृषि 1965 के अंदर स्थापित किया गया था। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर सोडियम को रखा जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कौन सा, देखिए किसको मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा जाता है? मैडम कामा, मैडम बिकाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन 15% का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, साम सुना, गुट निरपेक्ष, बेलग्रेड, क्या है? बेलग्रेड। दोस्तों चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, जापान टोक्यो, भारत दिल्ली। तो ये नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो राजधानी भी साथ में आपको ध्यान में रखना, मैं आपको बताता रहूँगा, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू। यस, नेक्स्ट देखेंगे, चोल राजा राजेंद्र ने श्री विश्व साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान क्यों किया था? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग में अवरोध को समाप्त कर तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, अमजद, दोस्तों एक वाद्य यंत्र है, क्या है? वाद्य यंत्र। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विधा से संबंधित है। यस, ये किस कला से संबंधित है? ये सरोज वाद्य यंत्र से संबंधित है। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट। भार निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश दक्षिणी अफ्रीका, और भारत के अंदर कर्नाटका, कर्नाटक भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना कर्नाटका के अंदर है, लेकिन विश्व के अंदर पूछे तो जॉन्सबर्ग, नाम सुना होगा दोस्तों जॉन्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका जॉन्सबर्ग। नेक्स्ट देखेंगे, बेरी बेरी रोग, यस, विटामिन ए बी ए की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में सबसे पहले अभिभाषण भाषण दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति होता है, दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति। और देखिए सिनेबार, सिनेबार किसका आयोजक है? यह सिनेबार पारा का आयोजक है, दोस्तों किसका है? पारा। दोस्तों पारा लिक्विड पारा एक तरल पदार्थ के अंदर रहता है, जिसे लिक्विड तरल पदार्थ। और दोस्तों रबड़, रबड़ रबड़ की किस्म पारा, अगर आपसे पूछे ना पारा किसकी किस्म है, रबड़ की किस्म पारा है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमने 25 पूरे क्वेश्चंस किए हैं, 25 में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। रोजाना चारों क्लास पाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसका मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।